तो ये वीडियो बनाने का रीज़न मुझसे मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हम, ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहिए और ये फिलहाल तो ये अटका हुआ एक, तो इसको कैसे खोलूं? मैं पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ इसको खोलने का, लेकिन जंग खाया हुआ है। पिछले 2-3 हफ्तों से इसको ओपन नहीं करा है मैंने, इसलिए ये नाटक बता रहा है। थोड़ा हो गया, इससे थोड़ा जंग खाया हुआ था, हमने इसको सही कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के, क्या बोल रहा हूँ मैं, पगला रहा हूँ। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चेक करते हैं हमारा ये पिट्टू बैग। मुझे एक आपसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मुझे सेटअप करने में इतना टाइम लगता है तो वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता होगा आप खुद ही सोचो। तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम है अनिकेत वर्मा, मैं इंदौर से हूँ और अगर मेरी उम्र जानना चाहो तो मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरे बैग पे, मैं बताने वाला हूँ मेरे बैग में क्या क्या भरा हुआ है इस पिटारे में। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल गुरुजी वाला हो गया। तो सबसे पहले मैं बता दूँ मेरे बैग में 3 चेन्स है, 1 2 3 चेन्स। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी वाली चेन से, इसमें देखते हैं क्या है। मुझे तो पता है क्या क्या है, लेकिन अब आपको बताना थोड़ा ज़रूरी क्योंकि मैं हर व्लॉग में, मेरे हर वीडियो में ये बैग साथ में रखता हूँ, तो आपको ही पता होना चाहिए ना कि क्या क्या है मेरे बैग में। तो ये वो एक्सल जो कि मैं हर्षबिया से लेके आया था, जिन्हें ये वीडियो नहीं देखी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देखो। ये साइकिल के पिछले टायर में लगता है, मतलब आगे पीछे दोनों में ही लगता है टायर में। तो ये मेरे काम की चीज़ है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एक्सल है। स्टंट राइडिंग वाली साइकिल वाले जो भी देख रहे हैं उनको ये समझ आ गया होगा। और सेकंड चीज़ है मेरे पास ये लॉक, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ, और करता हूँ तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए यूज़ करता हूँ और फिर घर पर रोते रोते आता हूँ साइकिल चोरी हो गई। नेक्स्ट चीज़ है मेरे बैग में एलन कीज़, 2 एलन कीज़ है मेरे पास, 2 एलन कीज़ के सेट। एलन कीज़ तो बस इनको बोलेंगे, ये इसके साथ वाली चीज़ है जो कि पेचकस का काम करती है, और ये गोल वाले बोल्ट का जो भी है मुझे नहीं पता। इस चेन में तो बस इतना ही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। ये बोल्ट पड़ा हुआ है, अब आप सोच रहे हो कहाँ से ये मजदूरी वगैरह करके लाता है। तो ये मेरे काम की चीज़ें हैं, कभी भी साइकिल ख़राब हो जाती है तो मैं रास्ते में खोल देता हूँ बस। तो अब बात करते हैं दूसरी चेन। तो दूसरी चेन में सबसे पहले आ जाता है ये माइक। तो ये माइक मैं इसलिए लाया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था बैकग्राउंड नॉइज़ से, और अभी आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रही होगी। अगर मेरा फ़ोन जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो स्विच ऑफ हो गया होगा तो आपको फ़ोन के माइक की आवाज़ सुनने में आ रही होगी, या फिर अगर ये फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है तो आपको इसी माइक की आवाज़ आ रही है। ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये पहली चीज़ हो गई मेरी फर्स्ट चेन में, इसको नीचे रखते हैं हम। और अब दूसरी चीज़ आती है ये हेडफोन, जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ और ये यहाँ से टूट गए थे तो मैंने इसको चिपकाया ग्लू गन से। और ये मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी एडिटिंग का काम करना पड़ जा सकता है, तो ये दोनों काम करते हैं ना इसलिए। और मैं दोनों का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास कॉलर हेडफोन्स है वो उसमें से सिर्फ एक ही काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहे, तो इनमें से सिर्फ एक ही काम करता है, यूँ सिर्फ इस साइड वाला काम करता है, राइट वाला। तो इसलिए इसको मैं बस गाने सुनने के लिए यूज़ करता हूँ, और ये वाले जो हेडफोन हैं मैं इसको एडिटिंग के टाइम यूज़ करता हूँ। तो हेडफोन्स की और माइक की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा सबसे प्रिय मित्र पावर बैंक, जो कि हमेशा साथ देता है। ये वैसे मेरा नहीं है, ये पापा का है। ये 20,000 mAh का पावर बैंक है जो कि पापा लाए थे उनके यूज़ के लिए, लेकिन इसको यूज़ करता हूँ मैं क्योंकि मुझे शूट वगैरह करने रहते हैं और मैं कहीं भी लंबा निकल जाता हूँ शूट के लिए तो मोबाइल डेड हो जाता है, इसलिए पावर बैंक ज़रूरी है। तो पावर बैंक के साथ केबल भी ज़रूरी है, जो कि ये है। ये एंड्रॉयड केबल इसलिए क्योंकि मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी है जो कि कभी भी स्विच ऑफ हो जाता है, उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ख़राब है थोड़ा, तो ये एंड्रॉयड की केबल उसके लिए। और आईफोन की केबल ये रही, जो कि आईफोन में ही लगी रहती ज़्यादातर क्योंकि मैं बहुत एडिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता हूँ एडिटिंग वगैरह में, तो मुझे एकदम चार्ज में लगा के रखना पड़ता है। तो केबल्स की भी बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास थोड़ी टिकटॉकर वाली, लेकिन ये टिकटॉकर वाली नहीं है। मैं सोच रहा था कि कभी नाइट व्लॉग करूँगा तो ये लाइट काम आएगी। ये है छोटी सी रिंग लाइट जो कि अंधेरे में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। तो अभी देखते हैं आगे क्या है मेरे पास। तो अभी है मेरे पास
लेंस, हाँ ये मोबाइल लेंस में लाया था 900 रुपए का, और इस पे मैं एक रिव्यू बना चुका हूँ तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा लेंस है मैंने लिया, और ये लेंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसी वीडियो के। मैं इस वीडियो के लिए इस डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा लिंक। लेंस की बात कर ली हमने, और वैसे ये बता दूँ ये वाइड एंगल लेंस था, जूम वाला नहीं था। तो अभी आता है ट्राइपॉड जो कि मेरे ब्लॉगिंग में काम आता है, मैं हाँ ब्लॉगिंग इसी से करता हूँ, देख सकते हो ये इतना है। साथ में इसको बड़ा भी कर सकते थोड़ा, इसलिए ये मैंने लिया, बड़ा हो जाता है ये। और इसके साथ माउंट कुछ ऐसा है इसका। तो अब बात करते हैं फोकस चीज़ों की। तो मेरे पास फोकस चीज़ों में है ये लिप बाम, जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ ठंड के मौसम में काम आता है क्योंकि पड़ जाते हैं होठ कर, समझो। अब है मेरे पास ये कड़ा जो कि मैं हर व्लॉग में पहनता हूँ, और ये रिंग जो कि मैं हर व्लॉग में पहनता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास ये व्रिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है इसको यहाँ रिस्ट पे पहनते हैं, यहाँ। जब जल्दी रहती ना तब नहीं पहनने में आता, तो इसको यहाँ पे पहनते हैं ऐसे, और अगर सूजन वगैरह यहाँ हो जाती है, एंकल बोलते हैं व्रिस्ट, हाँ सॉरी व्रिस्ट, यहाँ पे सूजन वगैरह हो जाती है तो इसको मैं तब पहनता हूँ, ऐसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं आता ये। तो मैं बात कर रहा था वाटरप्रूफ बैग की, जो कि इसे पानी में शूट हो सकता है, हाँ ये पानी में शूट हो सकता है इससे, जो कि मैं करता नहीं हूँ, रिस्क नहीं लेने का। बस ये चेन तो खाली हो चुकी है। अब बात करते हैं तीसरी चेन की। तो हमारे पास तीसरी चेन में है, इसमें है नी पैड, जो कि मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया था, तो ये जब लेग दर्द करता है मैं इसको तब पहनता हूँ नी में, तो इसको रखते हैं। और लास्ट चीज़ है मेरे पास ये तीसरा ट्राईपॉड। मैं तीसरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा ट्राईपॉड मैं लगा रखा हूँ, अभी बताता हूँ आपको, पहले ये बता देता हूँ ये वाला ट्राईपॉड कहाँ, मैं खोल के बताऊँ आलस आ रहा है मुझे। मैं बस इतना बता देता हूँ, ये ज़्यादातर लोगों के पास रहता है पोर्टेबल। और मैं थर्ड ट्राईपॉड की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अब बात करते हैं थर्ड ट्राईपॉड की, जो कि ये है। तो ये है वो थर्ड ट्राईपॉड जो कि इतना बड़ा है, इसको कहीं भी नहीं ले जा सकते, इसलिए इसको बस मैं घर के शूट के लिए रखता हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सो आई होप आपको मेरे बैग में देखने में बड़ा मज़ा आया होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी मेरे बैग में, जो कि मैं नीचे पड़ा हुआ है अभी, सब कुछ मुझे बटोर के इसमें पटकना है फिर से, और मेरा बैग एकदम पड़ा रहता है लावारिस जैसा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए मेरी जो भी नई वीडियो अपडेट हो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, मेरा कभी भी कुछ भी आ जाता है, कोई शेड्यूल नहीं है। तो Take care.